हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं अगर हमारे पिछले कुछ वीडियोस के बारे में, तो हमने कल के दिन बनाया था DIR और FIs के बारे में। यहां पर लगातार मार्केट में सेल ऑफ चल रहा था। उनसे भी पहले यहां पर US डॉलर का यहां पर एक तरीके से मार्क क्रॉस कर गया था 101 को, यहां पर पिछले 2 साल के सबसे हाई लेवल को। तो उसके बारे में एनालिसिस किया। उनसे भी पहले L&T और MINT के मर्जर की न्यूज़ आई थी, उसके बारे में भी एनालिसिस किया था। यहाँ पर HDFC बैंक के Q3 के रिजल्ट्स आए, जिन्होंने जो एस्टीमेट को मिस आउट किया था, तो उसके बारे में भी वीडियो बनाया था। सो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा तो कैपिटल क्लाइंबिंग चैनल को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मिलती है यहाँ पर जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आज के दिन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। यानी कि फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से 5-6 सेशन से यहाँ पर गिरावट चल रही थी, तो आज बहुत ही बढ़िया रिकवरी भी मार्केट में देखने को मिली। तो हम उन्हीं 4 कारणों हैं यहाँ पर, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या 4 रीज़न रहे जिसकी वजह से आज के दिन मार्केट में इतनी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के चलता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, और वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके बारे में बात करते हैं कि ये कौन से 4 ऐसे बढ़िया रीज़न थे जिसकी वजह से आज मार्केट में बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे, और यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुआ और यहाँ पर बताया गया, वो बता रहा हूँ, तो सेंसेक्स की बात हो रही है, सर्जिस हुआ 874 पॉइंट्स के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 874 पॉइंट्स यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और निफ्टी जो है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर एंड होता हुआ दिया है 17,400 के आसपास। जो 4 ऐसे रीज़न के बारे में बात करेंगे इस रैली के पीछे, तो इस रैली के पीछे मेनली कौन से 4 रीज़न है जिसकी वजह से आज मार्केट में बहुत ही बढ़िया बुलिश रैली देखने को मिली। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरे आर्टिकल को अब हम कवर अप करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया कि डोमेस्टिक बेंचमार्क जो कि इक्विटी इंडाइसिस है, वो कंटिन्यू कर रहा है रैली थर्सडे को फॉर द सेकंड स्ट्रेट सेशन एज लो लेवल बाइंग कंटिन्यू, यानी कि यहाँ लो लेवल की बाइंग यहाँ पर कंटिन्यू रह रही है दिलाल स्ट्रीट के ऊपर। और बाइंग के जो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट 2 डेज की कम्स की बात करते हैं, तो आफ्टर 5% ड्रॉप इन द प्रीसीडिंग 5 सेशन, तो अगले 5 सेशन में फ्रेंड्स यहाँ पर 5% की यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी बाइंग और यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर बुलिश रैली दिखाई दे रही है। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं उन 4 रीजंस को कि किस वजह से यहाँ पर रैली इतनी अच्छी देखने को मिली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया कि बिलो आर द की फैक्टर्स दैट ड्रॉव मार्केट्स हायर, यानी कि मार्केट को जिसने जो यहाँ पर एक तरीके से हायर लेवल पे यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है, वो निकल करके बाइंग ऑन रिलायंस। सो यहाँ पर बताया गया कि वन डोमिनेंट थीम ऑफ द लास्ट 2 डेज हैज बीन हैवीली बाइंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्योंकि रिलायंस के स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा हैवी बाइंग हो रही है। द स्टॉक हैज बिग वेट ऑन द निफ्टी एंड सेंसेक्स, जो कि हिट कर गया अपने ऑल टाइम हाई लेवल को थर्सडे को, तो इसकी वजह से बाइंग रिफ्लेक्ट करती है कंपनी में ट्रस्ट और उसके अलावा इट्स रिटेल वेंचर्स के बिजनेस में। तो यहाँ पर जो एक तरीके से हाई वेट रखता है निफ्टी और सेंसेक्स में, इसी वजह से जो यहाँ पर उसमें यहाँ पर तेजी आएगी रिलायंस में, तो डेफिनेटली यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स में तेजी आना तय है। तो यहाँ पर हैवी बाइंग हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, वन रीज़न है यहाँ पर एक तरीके से इन 4 रीज़न में से। उसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरी बात करते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है यील्ड्स का डीप होना, यानी कि जो यहाँ पर बॉन्ड मार्केट चल रहा है हमारा, उसका जो यहाँ पर एक तरीके से यील्ड था, वो यहाँ पर एक तरीके से हाई दिखाई रहा था पिछले कुछ दिनों से, जो कि अनदर रीज़न है यहाँ पर, वो यहाँ पर रख कर रहा है फेवर ऑफ द मार्केट वॉज ओवरनाइट डीप इन US बॉन्ड यील्ड, यानी कि इवन ऑफ दिस माइट प्रूव शॉर्ट लिव, यानी कि यहाँ पर जो एक तरीके से शॉर्ट लिव की तरह है, और उसमें जो यहाँ पर US डॉलर के बिल यहाँ पर बॉन्ड है उसमें यहाँ पर यील्ड है उसकी, उसमें गिरावट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरीके से मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर यील्ड था जो कि 10 ईयर्स का, वो यहाँ पर 2.877.66% पे चल रहे थे, बट स्टिल ब्यूरिस्ट आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द हाईएस्ट 2.981% अर्ली ऑन द वेडनेसडे, लोअर यील्ड सेंट द डॉलर लोअर ओवरनाइट, और पर्टिकुलरली अगेंस्ट द बीच डाउन यूरो एंड स्टर्लिंग बीच मैनेज टू रिकवर अ लिटल ग्राउंड। तो यहाँ पर लोअर इन की वजह से जो यहाँ पर इनफ्लो यहाँ पर एक तरीके से इंडियन मार्केट में इनफ्लो भी यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोअर रीच यहाँ पर यूजुअली रिजल्ट इन इनफ्लो इन इंडियन इक्विटीज। तो यहाँ पर इंडियन इक्विटीज में यहाँ पर इनफ्लो दिखाई दे रहा है, लोअर रेयर पर बाइंग भी दिखाई दे रही है, जो कि एक वन ऑफ द मेन रीजन है यहाँ पर 4 रीजन में से।
अगर नेक्स्ट डिवीजन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो है यहाँ पर लोअर लेवल की बाइंग, यानी कि जो फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डीप देखने को मिल चुका है, ऐसी बातें निकल करके आए थैंक्स टू मैसिव इनफ्लो ऑफ म्यूचुअल फंड एंड रिटेल बाइंग। तो यहाँ पर जो एक तरीके से म्यूचुअल फंड और रिटेल बाइंग यहाँ पर एक तरीके से मैसिव फ्लो यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट हैपेंड इन लास्ट टू डेज एज वेल, यहाँ पर बताया गया व्हेन द हेडलाइन इंडेक्स डीप हुए यहाँ पर एक तरीके से 5% के आसपास। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर वूज एंड पुअर रीअर्निंग फ्रॉम द की कंपनीज की वजह से। तो यहाँ पर जो मेनली बात है वो है इन्फ्लोस की यहाँ पर म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा। तो उन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर खरीदारी दिखाई यहाँ पर इंडियन मार्केट में, तो इसी वजह से यहाँ पर लोअर लेवल से अच्छी बाइंग मिली, जिससे जो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा हाई बनाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर फर्दर बताया गया कि फंड मैनेजर्स है और रिटेल इन्वेस्टर है कैपिटलाइज करे ऑन द अपॉर्चुनिटीज वंस अगेन इवन एज फॉरेन इन्वेस्टर कैप्ट पुलिंग फंड्स आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर FIIs जो माल यहाँ पर पुलिंग आउट करे इंडिया से, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर हमारे म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर लगातार माल को यहाँ पर उठा रहे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बाइंग नहीं निकल कर कह रहे लोअर लेवल से। और वहाँ से मेनली वही रीज़न है कि यहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रैली दिखाई दे रही है पिछले 2 दिनों से। अगर नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं वो है टेक्निकल फैक्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बात करते हैं तो 17,300 का लेवल है जो कि निफ्टी में यहाँ पर की फर्दर रैली का फैक्टर है। सो वंस द इंडेक्स रिक्लेम द लेवल द शो फर्दर बाइंग। तो यहाँ पर जो एक तरीके से थर्सडे को यहाँ पर निफ्टी ने माइट बी रेडी फॉर द मोर अपसाइड रन सेस एनालिस्ट, यानी कि एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो मोर अपसाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो निफ्टी ने 17,300 का लेवल को रिक्लेम कर लिया है। उसके अलावा बात करते हैं तो डीसीजी मूव है वो 17,300 का लाइकली टू कंफर्म रिवर्सल पैटर्न पोस्ट हायर बॉटम है 16,825 के लेवल के आसपास। यहाँ पर पॉसिबली पुल निफ्टी टुवर्ड्स फर्दर अपसाइड, तो यहाँ पर एक तरीके से उसको फर्दर अपसाइड ले जा सकता है निफ्टी। इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो 17,000 के लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है HDFC सिक्योरिटीज़ के उसका बताना है। तो अपन मेनली यही सभी 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट में पिछले 2 दिनों से बढ़िया रैली दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स यही सारे रीजन थे जिसके जरिए जो मार्केट में यहाँ पर एक तरीके से तेज़ी ट्रिगर आउट हो गई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के जरिए आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो हमें शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।